ज्ञान अभियान आपका अपना क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन आरडी शर्मा बुक से है और इसे पूछा है अभय ने, जो हमारे ज्ञान अभियान चैनल के रेगुलर व्यूअर है और यूपी से है। इन्होंने व्हाट्सएप किया था मुझे ये क्वेश्चन और मैं ये आप सबके लिए बना रहा हूँ। सभी लोग देखें और सीखने की कोशिश करें। और अगर आपको भी किसी क्वेश्चंस को पूछना हो तो आप भी हमें अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप करें। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इन फिगर 8.121, इन फिगर 8.121, ये फिगर है 8.121, इसमें बी ए एंड बी सी ऑफ एंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू ED and EF of angle DEF। तो प्रूफ करना है हमें एंगल ए बी सी प्लस एंगल डीई एफ, इट मीन ए बी सी प्लस डीई एफ इक्वल टू 180, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज गिवेन है, हम उन सारी चीजों को लिख लेते हैं। गिवेन है हमें एंगल ए बी सी एंड एंगल डीई एफ वेयर ए बी पैरेलल डी ई एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ये हमें दिया हुआ है। लिखते हैं टू प्रूव एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, BC को बढ़ा देंगे P तक और ED को बढ़ा देंगे Q तक, है ना, और इस वाले पॉइंट का नाम हमने रख लेना है O, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एक्सपेंड BC टू P एंड ED टू Q, है ना, हमने ये बढ़ा लिया। अब देखते हैं क्या AB पैरेलल है ED के, इट मीन्स ए बी पैरेलल है ई क्यू के, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो प्रूफ लिखने के पहले हम इसको थोड़ा नंबरिंग कर लेंगे। इसका इस एंगल का नाम हमने 1 रख लिया, इसका 2 रख लेते हैं और इसका 3 रख लेते हैं, है ना। तो इसमें अब देखते हैं क्या ई एफ और बी सी पैरेलल है, इट मीन्स ई एफ पैरेलल बी पी, है ना, ई एफ पैरेलल बी पी। So, क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्यों, ये लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। और इसको मान लेंगे 1, है ना। अब लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी पैरेलल ई ओ है, है ना, या ए बी पैरेलल ई क्यू है, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, और ये बी पी जो है इसका ट्रांसवर्सल है, तो इस तरह से ये एक ही साइड के एंगल से हो गए, है ना, तो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब एंगल 1, लेकिन अब ये एंगल 2 इक्वल टू क्या, एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो हम 2 के जगह पर 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, ये कैसे हुआ, लिखेंगे इसके आगे फ्रॉम 1, हमने यहाँ पे 1 में इस चीज को प्रूव कर रखा है। तो अब एंगल 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल 2 इस जगह पे, 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ई एफ, डी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, प्रूव। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने हर क्वेश्चन के लिए हमें व्हाट्सएप करें।